हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ श्वेता महाजिक और आज मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने लिप फिलर्स करे हैं। तो गाइस, आज 1 अप्रैल है और मैंने सोचा कि कुछ इतना रियलिस्टिक बनाया जाए कि मेरी फैमिली और फ्रेंड्स लिटरली ऐसा सोचे कि मैंने कुछ बहुत ही अतरंगी किया है मेरे फेस के साथ। तो एक छोटा सा प्रैंक करने जा रही हूँ मैं, जिसके लिए मैंने ये प्रोस्थेटिक लिप्स बनाए हैं। एंड ये लिप्स बना के मैं मेरे घर पे जाऊँगी, मम्मी के पास जाऊँगी और लेट्स सी उनके रिएक्शंस क्या है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज़ कि ये जो लिप्स हैं ये मैंने लिटरली घर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे बनाया है। कोई केमिकल्स नहीं है, कुछ नहीं है। 3 चीज़ों से, ग्लिसरिन, वाटर एंड कॉर्न सिरप, इन 3 चीज़ों से मैंने ये लिप्स बनाए हैं। कैसे बनाए हैं ये मैं दिखाती हूँ आगे। एंड चलिए, लेट्स प्रैंक देम। तो सबसे पहले मैंने लिया पॉलीमर क्ले और क्ले से मुझे ये ऐसे लिप का शेप क्रिएट करना है। अब जो हमें प्रोस्थेटिक लिप्स बनाने हैं उसके लिए मोल्ड क्रिएट करना है, जिसके लिए मैंने लिया लिक्विड सिलिकॉन। अब ये मोल्ड मैंने सिलिकॉन से खुद बनाया है, बट अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगे प्रोसेस तो आप मार्केट से ऑनलाइन लिप के मोल्ड्स खरीद सकते हैं। मैं सिलिकॉन से मोल्ड कैसे बनाते हैं इसका भी एक डिटेल्ड वीडियो पोस्ट करूँगी बहुत जल्द। अब यहाँ पे मैंने जो लोअर लिप है उसको एक डब्बे में प्लेस करके ये जो सिलिकॉन है इसमें पोर कर दिया। दोनों लिप्स को, अपर और लोअर को, अलग अलग डब्बे में प्लेस करके उसका मोल्ड क्रिएट करना है। जब सिलिकॉन सूख जाए तो ये हमारे ऐसे 2 मोल्ड्स क्रिएट हो जाएंगे। अब हमारे प्रोस्थेटिक लिप्स के लिए मैं लूंगी कॉर्न सिरप, जेलेटिन एंड वाटर। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को इक्वल क्वांटिटी में यूज करना है। सबसे पहले लिया पानी और उसके बाद कॉर्न सिरप, और पानी और कॉर्न सिरप को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तब तक मिक्स करते रहना है जब तक ये एकदम एक समान ना हो जाए, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें जेलेटिन। जेलेटिन को अच्छे से धीरे 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 इसके अंदर मिक्स करना है। और इसमें कलर ऐड करने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑरेंज और रेड कलर का आई शेडो ले लिया। अब हमें इस मिक्सचर को माइक्रोवेव करना है। 10 सेकंड माइक्रोवेव करके बाहर निकाल के स्टर करना है, फिर से अंदर डालना है माइक्रोवेव के, और फिर से इसको स्टर करना है। ऐसे 3-4 बार करना है। तब तक करना है जब तक ये जेलेटिन पूरी तरीके से पानी और कॉर्न सिरप में डिसॉल्व हो जाए। और अब देखिए, आई थिंक ये अब बन चुका है। यस, अब इस मिक्सचर को हम डालेंगे मोल्ड के अंदर। ये बहुत जल्दी सूख जाता है, तो अगर आप 10 मिनट भी रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो ये अच्छे से सूख जाएगा। एंड ये सूख चुका है, हमारे प्रोस्थेटिक लिप्स रेडी हैं, और ये बहुत ही आसानी से ये मोल्ड के अंदर से ऐसे निकल आता है। और अब तैयार हो जाइए, अभी हम लगाएंगे इन लिप्स को और रेडी हो जाएंगे प्रैंक करने के लिए। तो अभी प्रैंक करने का टाइम आ गया है और मैं मेरी मम्मी को फ़ोन करती हूँ, और मम्मी को फ़ोन करके बोलती हूँ कि कुछ गड़बड़ हो गई है, मैंने लिप फिलर्स किए बट अच्छा नहीं हुआ है, सो मैं आ रही हूँ घर पे। ठीक है, हाँ मम्मी बोल। अरे ऐक ना, एक गड़बड़ चली। अरे मी ना आज लिप फिलर्स करायला गेले होते। काय करायला? लिप फिलर्स। तर ते खूप जास्त अजीब झालेत लिप्स। काय नाही, आता मी आणि प्रसाद येतोय तिकडे, तर बघूया। आता पप्पा पण आहेत ना? यु लाफिंग मम्मी, इट्स सीरियस, हाऊ कॅन यू लाफ? I thought it'd be fun. Okay, let's see now. You, me yete tikde. Wow. Okay. Mommy, don't laugh, yaar. What the hell? This is banking. Imagine this girl, you know. Okay, bye. I'm coming.
It will take 6 months. 6 months. अरे नहीं बाबा सच्ची है देख ना. फिलर बोटॉक्स. बोटॉक्स. नाही आवडलं का? करत नाहीये ते सुजलेलं आहे तर ते असं होणार ना. तुझं काय म्हणणार? लिप्सचं कसं नाही आवडलं तुला पण? मेरी फॅमिली तो शायद थोड़ा थोड़ा समझ गई है कि प्रैंक था इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया है. बट पास में ही मेरा एक फ्रेंड रहता है तो चलिए उसको उल्लू बनाते हैं. कैसे हो आंटी? कम से. ओके आंटी कुछ नोटिस कर रहे हो? ये पैर नंगा नहीं. मेरे लिप्स बहुत मोटे हो. ओके आई कैन फील द पेन बट लाइक आई डोंट नो दिस इज गोना बी लाइक दिस इज हाउ इट इज. फॉर 6 months इट्स बैड राइट? स्लाइटली एक्स्ट्रा. ओके बट इट विल सेट डाउन 6 months मोर बट डोंट स्ट्रेस अबाउट. ओके लड़कियां ना आजकल पागल हो रही है. ब्यूटी का सत्यानाश करके. चलो कोई नहीं हो गया अभी ट्राई करा था लाइक ये सुंदर लिखते पतले पतले इट्स ओके मैन मोटे बना दिए. मम्मा स्टॉप इट. बैड प्रॉपर फैक्ट है. आंटी ने ऐसे बोला था मुझे बुरा लग गया. अब आंटी आपने ऐसे बोलना नहीं चाहिए था मुझे बिकॉज मैं अप्रैल फूल कर रही हूँ. अब यहाँ मेरा फ्रेंड भी शामिल हो गया है और हम मिलके दूसरे फ्रेंड को उल्लू बना रहे हैं. No, what do I do? Like, it's obviously like I don't know what to say. Why are you laughing? Because they eat food. Is this a joke or what is happening? Abhishek, how is it a joke? Abhishek, Ashok, stop crying. I'm crying and he's laughing. We can't take this anymore. Just okay, I'm going now. ऐसे खुद से ही ओपन द डोर आई लाइक सो शॉर्ट आई मीन हाउ विल टेल हर अ नाइस मी दैट इट सडनली. नाउ दिस इज डे टू ऑफ फूलिंग पीपल. यहाँ मैं जा रही हूँ मेरे फ्रेंड के घर पे उसका रिएक्शन देखते हैं. खाना खा रहे थे तुम? चल रहे कर दिया है. तुम बात भी नहीं कर पा रही हो. मुझे थोड़ा सा डर सा लगा फर्स्ट में देख के. बट इट विल गो डाउन. इट विल डेफिनेटली सेटल. मतलब वो प्रॉपर नहीं एक्चुअली इतना ही रहेगा. अरे नहीं बाबा जो सूजा हुआ है दैट विल बी कुछ भी बोल रही है. नहीं थोड़ा सा रहेगा. नहीं बट कम होगा ये डेफिनेटली आई नो. नहीं 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 अरे
सुनो लिसन, ये जो है ना दिस इज द जो फिलर लगा हुआ है, यू गाइस आर मेकिंग फन ऑफ मी कुत्ते लोग. पहले मतलब पहले जब मैंने वहां से देखा ना मैंने जब वहां से देखा तो मुझे लगा कि उसने ऐसे स्टोरी में डाला था ना फीलिंग्स करा रही, तो मुझे लगा फेस पे कुछ कराने वाली होगी. अभी देखा तो दूर से मुझे लगा कि अभी सूजा हुआ, जब सामने से देखा मुझे तो लगा कि बहुत ज्यादा ही सूजा हुआ. और उसकी ऑडेसिटी भी और है कि वो मुझे पूछ भी रही है कि अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है. तो मैं उसके एक्सप्लेन भी करने वाला था कि नहीं ऐसे होता है ना, पहले इंजेक्ट करते हैं ना तो सूजन रह जाता है, दो तीन दिन में ठीक हो जाएगी. इतना सब होने वाला कराने का कुछ नहीं. तो ये था आज का फर्स्ट अप्रैल मतलब अप्रैल फूल्स डे प्रैंक वीडियो. एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे किसी को भी हर्ट नहीं करना था, किसी का भी दिल नहीं दुखाना था, बस थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा मजाक, थोड़े लाफ्टर के लिए ये छोटा सा प्रैंक किया है मैंने सबके साथ. और कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक फोटो भी डाली थी इन फेक लिप्स के साथ, जिसके लिए बहुत सारे नॉट सो गुड कॉमेंट्स भी आए हैं. बट मैं समझ सकती हूँ, लोग प्यार करते हैं तो यू नो जब कुछ ऐसा देखते हैं तो अजीब से कमेंट कर देते हैं. बट आई एम रियली सॉरी, ये एक मस्ती था, मजाक था, सीरियसली मत लेना. और आपको क्या लगता है इसके बारे में, इस प्रैंक के बारे में, आप भी फंस गए या नहीं फंसे, या आपको पहले से ही थोड़ा डाउट था, ये प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय.